सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमएस हसन। सो गाइस, आज मेरे पास में T20 प्रो मैक्स अल्ट्रा वॉच बिग 2.09 का आपको डिस्प्ले, इन्फिनिटी डिस्प्ले देखने को मिलेगा विद वायरलेस चार्जिंग। तो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस बॉक्स के अंदर में क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक देखें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएं हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, एक नजर जो है बॉक्स के ऊपर में नजर डालते हैं। यहाँ पे आपको देखें तो T20 प्रो मैक्स आपको देखने को मिल रहा है वायरलेस चार्जिंग के साथ बिग 2.09 इंफिनिटी डिस्प्ले। और कलर देखें तो यहाँ पे ब्लैक कलर मेंशन किया हुआ है जो कि आपको हाईवॉच प्रो की तरफ से आएगा। इधर देख ले तो इधर आपको लिखा हुआ स्मार्ट वॉच 9, और ये साइड देखिए तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सीरीज स्पेस अल्मोनियम केस 49mm का। यहाँ पे देखिए तो स्मार्ट वॉच 9 है और इधर देखिए तो स्पेस अल्मोनियम केस आपको देखने को मिलेगा। बैक साइड में देखिए तो यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जिंग दिख रहा है और कुछ इंस्ट्रक्शन दिखे हुए हैं जो आप पढ़ सकते हैं, मेड इन चाइना है। तो चलिए इस बॉक्स को अब फटाफट अनबॉक्सिंग करते हैं। तो गाइस, बॉक्स के अंदर में आपको देखने को मिलेगा यूजर मैनुअल जो कि आप इसको पढ़ सकते हैं। और एक नजर दौड़ाए तो यार, ये बिल्ड देखिए, बिल्ड काफी, इसकी मुझे बिल्ड काफी प्रीमियम और काफी खूबसूरत बिल्ड लग रही है। इसका डिजाइन काफी प्रीमियम है और इसकी क्वालिटी भी देखो तो इसकी क्वालिटी भी काफी तगड़ी है। तो इसके साथ में आपको मिलने वाला है दो स्ट्रैप्स मिलने वाला है, एक आपको ये कलर का स्ट्रैप्स मिलेगा, दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जो है ये आपको फुल ब्लैक कलर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये दोनों ही स्ट्रैप्स क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगी और ये वाला मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगा और काफी ज्यादा मुझे बेटर लगा। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा वायरलेस चार्जिंग जो कि आपको यहाँ पे देख सकते हैं। इसकी वायर क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी है और ये काफी स्ट्रांग भी है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी भी इसकी काफी ठीक ठाक है। इसके साथ में आपको देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर में ये 2.099 का जो है आपको एमएम का ये दिखने वाला है वॉच, जो कि ये काफी तो बढ़िया लग रहा है। और ये आपको फुल्ली मेटल में और ब्लैक कलर के साथ में आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिस्प्ले का साइज देखो तो डिस्प्ले का साइज इसमें काफी आपको बड़ा दिख रहा है। और ये आपका चारों साइड से जो है मेटल बॉडी है, ये आपका एक्शन बटन है और यहाँ पे आपको स्पीकर देखने को मिलेंगे। बैक साइड में आप देखिए तो बैक साइड में ये सेंसर है और इधर आप देखें तो ये आपका कंट्रोल है और ये पावर ऑन ऑफ बटन है और यहाँ पे आपको माइक देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको ओपन करके यानी कि ऑन करके चेक करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो ये डिस्प्ले हमारा जो है ओपन हो गया है। ये देखिए आप, इसकी लुक देखिए, लुक काफी जबरदस्त लग रही है। और यहाँ पे सामने से आप देखें तो चारों साइड में आपको कर्व देखने को मिलेगा और यहाँ पे आप देखें तो यहाँ से आप जो है आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने स्क्रीन को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफी सारे स्क्रीन है, एक बार आप जब अपने एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर लीजिएगा और एप्लीकेशन से आप इसको कनेक्ट कर लीजिएगा तो यहाँ पे आप काफी सारे फ्री स्क्रीन भी आप 100+ स्क्रीन आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे चीज़ देखने को मिलेंगी। यहाँ पे आपको पावर ऑन ऑफ व्हाट्सअप सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, मैसेजेस भी है। तो गाइस, आप जो है सेटिंग में जाकर भी जो है आप यहाँ पर जनरल में जाए और यहाँ पे आप नीचे आए ऐप व्यू में जाइए। ऐप व्यू में जाने के बाद में आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐप व्यू में जाने के बाद में आपको काफ़ी सारे स्टाइल देखने को मिलेंगे। मैंने 4 में कनेक्ट करके रखा है, बहरहाल मैं इसे 1 में कर देता हूँ। 1 में आपको कुछ इस तरह से स्क्रीन देखने को मिलेंगे। मैं आपको बता दूं, ये T800 अल्ट्रा वॉच से मुझे ये वॉच काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसका डिस्प्ले स्मूथ है और काफ़ी सारे फंक्शन भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। इसकी ब्राइटनेस भी काफ़ी अच्छी है और इसका मतलब टच क्वालिटी भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस, इसमें मुझे काफ़ी सारे फंक्शन देखने को मिले हैं। और ये देखिए आप, स्क्रीन ऑफ होने के बाद में भी जो है आपका इस तरह से डायल चलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देखिए तो ये कंट्रोल बटन है, कंट्रोल बटन आप करने के बाद में देखिए कंट्रोल में इस तरह से आपको यहाँ पे फंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको जो है क्लियरिटी आपको देखने को मिल रहा है कि आपको स्पोर्ट्स में आपको क्या करना है। T800 अल्ट्रा वॉच में जो है इस तरह से आपको नहीं था, लेकिन इसमें काफ़ी सारे स्मूथ फंक्शन है और काफ़ी उससे ज़्यादा आपको फंक्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए वॉकिंग है, यहाँ पे साइकिलिंग है, आपको जो है यहाँ पे सारे चीज़ मेंशन किए हुए विद इमेज के साथ में। तो यहाँ से आप कंट्रोल बटन में आप जाके कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इधर आप देखें तो ये पावर ऑन ऑफ बटन है जो कि ये आपका ऑन ऑफ हो जाएगा। यहाँ आप बटन प्रेस करने के बाद में भी आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे आपको स्क्रीन यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जैसे कि हार्ट रेट, ऑल रेट, वेदर, हेल्थ, कैलेंडर, कैलकुलेटर भी आपको देखने को मिलेगा। सो गाइस, इस बटन को आप जब प्रेस कीजिएगा तो इस बटन को प्रेस करने के बाद में आप देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फंक्शन देखने को मिलेंगे। पहले आप देख लिए ऊपर में कैलकुलेटर, उसके बाद में कैलेंडर, यहाँ पे फिर देखिए तो आप हेल्थ आपको देखने को मिल जाएगा, वेदर देखने को मिल जाएगा, हार्ट रेट है,
और यहाँ पे आपको सारे ऑल ऐप भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐप मेंशन किए हुए हैं और यहाँ पे आप ऑल ऐप में जाके भी आप देख सकते हैं, जो कि आपको अदर वॉच में इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि आपको इस वॉच में देखने को मिल रहा है। तो आपको ये वॉच कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसकी प्राइस की बात करूँ तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ 999 रुपीज़ में मिलने वाला है, और ये प्राइस काफ़ी अच्छा है इस रेंज में। इसकी अच्छी क्वालिटी मुझे नहीं लगता कि और भी आपको अदर वॉच में मिलेगी। मेरे हिसाब से ये वॉच काफ़ी बढ़िया रहेगा 999 के अंदर में।